देखो बच्चों, तो मैं बता रहा था कि डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखो, x1 के बाद ये इंक्रीजिंग बन गया और आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ऐसे आएगा। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और स्लोप होता है डीवाई बाई डी एक्स। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स। तो एक्स वन से पहले आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इसके लिए आपका डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा? नेगेटिव। और एक्स वन के जस्ट बाद किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। डीवाई बाई डी एक्स ने जो अपना नेचर चेंज किया है वो एक्स वन पे चेंज किया है। एक्स वन से जस्ट पहले डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव था और एक्स वन के जस्ट बाद डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और अगर आप एक्स वन की बात करेंगे तो एक्स वन पे डीवाई बाई डी एक्स, एक्स वन पे टेंजेंट ऐसे बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स। सो डीवाई बाई डी एक्स इज जीरो। ठीक है, तो एक्स वन से रिलेटेड अगर हम बात करें, एक्स वन से जस्ट पहले, एक्स वन से जस्ट पहले, जस्ट पहले डीवाई बाई डी एक्स क्या है? नेगेटिव है। एक्स वन के ऊपर डीवाई बाई डी एक्स क्या है? डीवाई बाई डी एक्स जीरो है। और एक्स वन के जस्ट बाद, एक्स वन के जस्ट बाद डीवाई बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स का साइन एक्स वन से चेंज होना स्टार्ट हुआ। एक्स वन से जस्ट पहले नेगेटिव था, एक्स वन के जस्ट बाद पॉजिटिव हो गया, और एक्स वन पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो है, राइट? और ये हम देख चुके हैं कि जिस पॉइंट पे डीवाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट होता है, देखो वहां लोकल मिनिमा बनता है। ठीक है, तो आगे हम जब भी देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि डीवाई बाई डी एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है डीवाई बाई डी एक्स का साइन, डीवाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो मिनिमा बनेगा। ठीक है, अब इसको देखो जरा, ये क्या है? ये मान लो एक्स टू पॉइंट है। एक्स टू पॉइंट पे जस्ट पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, जस्ट पहले टेंजेंट ड्रॉ करो या किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ऐसे आएगा। इस कर्व का जो टेंजेंट है वो ऐसे आएगा। और ये तो एक, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इसका क्या होगा? पॉजिटिव। और स्लोप क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर एक्स टू से जस्ट पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव। और एक्स टू के बाद टेंजेंट बनाओ, ये बनाया एक्स टू के बाद टेंजेंट बनाया हमने। इस टेंजेंट, ये टेंजेंट देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो इसका टेंजेंट आप निकालोगे, जैसे कि टेंजेंट 120 क्या आएगा? टेंजेंट थीटा इसका आएगा नेगेटिव, और यही स्लोप होता है। डीवाई बाई डी एक्स आएगा नेगेटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ स्लोप ऑफ डीवाई बाई डी एक्स क्या है? एक्स टू से जस्ट पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, एक्स टू के जस्ट बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है। और बात करें हम एक्स टू की, तो एक्स टू पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वहां क्या होगा? डीवाई बाई डी एक्स जीरो। एक्स टू पे तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो है, एक्स टू से जस्ट पहले पॉजिटिव है और एक्स टू के जस्ट बाद नेगेटिव है, यानी कि एक्स टू पे डीवाई बाई डी एक्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव में। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है तो देखो यहाँ से इस सिचुएशन को देखो, ये कैसी वैल्यू है? ये तो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डीवाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो वो वैल्यू कैसी होती है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट? सब लोग लगता है सो गए। सो कंक्लूजन उठे हैं, कंक्लूजन क्या निकला? इफ साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम, अनिरुद्ध क्या लिख रहे हो?
नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके आप लिखते हो, इफ साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एनी पॉइंट एक्स वन, देन इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. If sine of dy by dx changes from negative to positive, dy by dx का sine किसी भी point value पे, किसी भी point पे negative से positive पर में convert होता है, तो वो जो point है, यानी कि x1, वो point क्या होगा? Local minima का point होगा, point of local minima. Second, if sine of dy by dx changes from positive to negative, positive to negative, then at any point point x2, then it is point of local मिनिमम. ठीक है, ठीक है बच्चों. कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. चलो ये बताओ, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ये पॉइंट, ये फंक्शन है. हमें इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. ये पहले जी डैश एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री यहां से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे. ठीक है, पुट करेंगे जी डैस एक्स को जीरो, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जी डैस एक्स को क्या पुट करना होगा? जीरो. तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से आपकी दो वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन. जब आप जी डैश एक्स को जीरो पुट करोगे तो आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी. ठीक है, कौन कौन सी? वन एंड माइनस वन. बनाओ इनको नंबर लाइन पे, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, माइनस वन एंड वन, तीन इंटरवल बन गए. साइन लगा के देखो, माइनस वन के लेफ्ट साइड में साइन चेक करो, डी वाई बाई डी एक्स का साइन क्या होगा? माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेक करो, प्लस प्लस. हाँ, इसके राइट में चेक करो, माइनस वन के राइट में चेक करो, माइनस वन और वन के बीच में डीवाई बाई डी एक्स का साइन चेक करो, जीरो डाल लो. तो फिर तो आंसर आएगा जीरो आएगा, जीरो आएगा. एक्स को अगर आपने जीरो डालाया थ्री माइनस थ्री तो जीरो. हाँ, अब वन के राइट का कोई पॉइंट लेके डालो डीवाई जी डैश एक्स में. प्लस है, प्लस आएगा. ठीक है, अब देखो जैसे ही हम वन को क्रॉस करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स का साइन किस में चेंज हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव में. नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो फंक्शन का क्या हुआ? एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमा. फंक्शन का क्या होगा? लोकल मैक्सिमा. ठीक है,
और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू अनिरुद्ध कैसे निकलेगी? सर क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इट इज अ लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की? माइनस वन पे हमें ये तो पता लग मैक्सिमा है, जीरो होगा। माइनस वन तो यहाँ पर है ना, माइनस वन पे मैक्सिमा है इसका, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? ये वैल्यू लोकल मैक्सिमम ऑफ माइनस वन डालो, एफ ऑफ माइनस वन, एफ माइनस वन जी माइनस वन, सॉरी जी माइनस वन कितनी आएगी? यहाँ जीरो होगा। माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस होता है, माइनस माइनस वन प्लस थ्री हो गया, टू आ गई। तो लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस वन पे क्या आई? टू। फंक्शन की जो वैल्यू है माइनस वन पे वो कितनी है? टू है। समझ आया आपको ये? देवेश यस yes. समझ आया? हाँ जी सर। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू वन के ऊपर क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ एक्स जी एक्स हैज, जी एक्स हैज लोकल मिनिमम। साइन किस में चेंज हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। एंड वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? एट एक्स इज इक्वल टू वन जी वन निकालो तो वो आएगा वन माइनस थ्री माइनस टू। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई? माइनस टू आई। समझे आप या नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ जैसे एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन। सर मैं एक बार वॉशरूम करके आ गया। जल्दी करो बच्चे, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एफ डैश एक्स निकालो, जीरो पुट करो। एफ डैश एक्स निकाल के इसको जीरो पुट करो। बताओ बच्चों हो पाएगा ये मैं करूं? होने वाला है।
करो चाहे फर्स्ट ट्राई करो। एफ डे सेक्स हो गया थ्री कॉमन ले लो बेटा यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus x plus 3 क्या फैक्टर आए तो x minus 1 x minus 3 आप इसको जीरो पुट करना है निवेश आ गया है नहीं आया अब तो नहीं आया क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो तो 3 एंड 1 आएंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए आपके 3 and 1 नंबर लाइन बना दो बेटा बना ली तो पॉइंट आ गए आपके 1 and 3 साइंस लगा लिए हाँ सर तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स एस तो लोकल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम निवेश कर लिया आपने हाँ सर बस पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 3 एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा ठीक है फिर लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट वन कितनी होगी वो एफ वन एफ एक्स में डालना है इसके लिए क्या आएगा 1³ माइनस 6x² 6 × 1² प्लस 9 × 1 प्लस 15 तो कितना आया ये 25 हो गया ना है ना 25 माइनस 6 ठीक है यही आ रहा है ना 19 तो 25 19 आया 25 क्या कह रहे होते हैं हाँ तो ठीक है ओके लोकल मिनिमम वैल्यू सो मेरा अलग आया एट एक्स इज इक्वल टू 3 हाँ क्या आया नेरो नहीं मैंने अपने क्वेश्चन गलत कर दिया F3 हाँ नेरो क्या आया है मैंने आई थिंक फैक्टर गलत कर दिया बहुत बढ़िया बेटा सामने फैक्टर लिखे हुए हैं उसके बाद भी गलत कर रहे हो
लोकल मिनिमम वैल्यू 15 है। 3 इनटू 3 स्क्वायर माइनस 6 इनटू 3 स्क्वायर, और मैंने बोल के लिखे थे, सुन भी सकते थे आप। हाँ सर। 27 हो गया माइनस, ये कितना हो गया 54। 27 प्लस 15 आ रही है क्या जान? हाँ सर। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आई? 15 आई है टैक्स। ठीक है, करो बच्चों जल्दी करो इसको। हो गया बच्चों? दिवेश हो गया? यस सही वाला हो गया। अनिल तो हुआ। तो क्या करना है इसके बाद? उसके बाद ये वाला सम करना है बेटे, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके। सर हो गया। देवेश आपका हो गया? हाँ सर, बस 2 मिनट। जिनका हो गया वो ये स्टार्ट करो। एच एक्स थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जीरो इज सर, यही वाला तो बोला था आपने अभी करने को। सेकंड आपने पहले को पढ़ नहीं किया?
सो मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी यही तो कहा था करने को, साइन एक्स प्लस ऑस एक्स वाला थर्ड का थर्ड पार्ट। उससे पहले फिफ्थ पार्ट करना था, वो कर लिया आपने? हाँ सर, ये वाला तो कर लिया। यस ये वाला तो कर लिया। हाँ यस ये वाला तो कर लिया। करो जरा इस क्वेश्चन को करो। एच एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके सर। एच एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अनिल आप कौन सा कर रहे हो? कॉस एक्स माइनस साइन। कॉस माइनस साइन पुट करेंगे। एच सर माइनस कॉस, सर माइनस कॉस एक्स नहीं होगा? नहीं भी साइन एक्स का। अच्छा ठीक है, माइनस साइन। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर। दिस इंप्लाइज cos x minus sin x is equal to 0. तो यहाँ से आ गया cos x equal to sin x. cos x इसको हम लिख सकते हैं, cos को नीचे ले आओ तो बन जाएगा tan x. tan x tan x is equal to 1. ठीक है, अब tan x आ जाएगा 5/4. 5/4 अगला आएगा 3 5 pi/4. तो इंटरवल हमें 0 से π/2 का दे रखा है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो की वैल्यू होती है पाई बाई फोर, जहाँ पर टेंजेंट 1 होता है। ठीक है, तो सिर्फ यही की लिख। उसके बाद जैसे 0 से स्टार्ट हुआ इंटरवल हमारा, 0 से π/2 है ना, 0 से कहाँ तक है? π/2। ठीक है, इसके बीच में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है π/4। ठीक है, इस इंटरवल पे अब हमें ये देखना है कि एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे पहला इंटरवल लेंगे 0 से π/4 का, और अनिरुद्ध बताएंगे 0 से π/4 पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देख रहा हूँ, जैसे इसके बीच का एक पॉइंट ले लो, 0 से 45 के बीच का एक पॉइंट ले लो, 30, 5/6 ले लो, 5/6 को एच डैश एक्स में डाल के देखो। यहाँ पर डालेंगे आप तो कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है? √3/2 माइनस साइन 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये आपका आ गया 2√3 - 1, √3 होता है 1.732 माइनस 1, तो 0.73/2 आ गया, पॉजिटिव आया ये। ठीक है, पॉजिटिव आया है। कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ, तो √3/2 माइनस हाफ किया हमने, एलसीएम ले लिया, √3 होता है 1.732 माइनस में 1, तो ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ पॉजिटिव लगाओगे। ठीक है, अगर एक बार आपको पॉजिटिव मिल गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक में, अगर एक बार आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिल गया, फर्स्ट का पता, फर्स्ट इंटरवल पे पता लग गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक में आप ऑल्टरनेट लगाते चले जाओ। जैसे यहाँ पॉजिटिव था तो अगले पे नेगेटिव लगा दो, आगे अगर और कोई होता तो वहाँ नेगेटिव लगाते, ऑल्टरनेटिवली साइन लगाते चले जाओ। ठीक है, ऑल्टरनेट साइन लगाते चले जाओ। वैसे हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, बस हमें तो दो ही चाहिए थे। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, डीवाई बाई डी एक्स क्या कर रहा है? डीवाई बाई डी एक्स चेंज कर रहा है अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल एफ एक्स एज, अनिरुद्ध क्या होगा? ये पॉजिटिव से नेगेटिव का लोकल मैक्सिमा होगा। हाँ, एंड एट एक्स इज इक्वल टू, बस एक ही था हमारे पास, तो 0 से π/2 के बीच में एक ही पॉइंट आया था हमारा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू एंड वैल्यू होगा 2/√2 h π/4, h π/4 यानी कि cos π/4 2/√2 प्लस sin π/4। ठीक है, 2/√2 क्या आ जाएगी? 2/√2 √1/√2 प्लस 1/√2, तो ये आ गई 2/√2। ठीक है, यानी कि √2 आ गई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होगी? √2 आ गई। ठीक है, दिवेश हो गया? यस सर। चलो ये वाला पार्ट करो, फिर फोर्थ पार्ट करो। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
क्या करोगे सर? डेरिवेटिव निकाल लेंगे पहले, cos x plus sin, सर cos x plus sin x आ गया, फिर x को जीरो पुट कर देंगे, f dash x is cos x minus sin, तो प्लस होगा सर, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, f dash x is equal to zero, yes, sin x is equal to तो sin x is equal to minus cos x आ गया, तो ये बन जाएगा tan x is equal to minus one, ठीक है, tan x क्या बन जाएगा minus minus one, yes, इंटरवल हमें जीरो है, जीरो लेस देन x लेस देन टू पाई, जीरो से टू पाई का इंटरवल दिया है, ठीक है, जीरो पाई बाई टू पाई बाई फोर मतलब पाई एंड सो ऑन, मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन दिया है, जीरो से पाई टू पाई। अच्छा टेन एक्स की वैल्यू, टेन एक्स नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ में होता है, टेन एक्स दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो होगी पाई माइनस पाई बाई फोर, तो थ्री पाई बाई फोर आ जाएगा, एक टेंजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो वो वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस पाई बाई फोर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी टेंजेंट की वो आएगी टू पाई माइनस पाई बाई फोर, तो सेवन पाई बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू नहीं समझ आई तो मुझे बताओ, मैं समझाता हूँ, इलेवंथ का पार्ट है ये, ठीक है, कैसे ही बता दो। देखो जरा tan x is equal to minus one है, हाँ क्या लिखेंगे minus of tan pi by, ठीक है, अब हमारा हमें जीरो से टू पाई का क्वाड्रेंट दिया हुआ है, जीरो से टू पाई, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहले सेकंड क्वाड्रेंट वाले को देखते हैं वो वैल्यू क्या होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप इसको लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है, ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया था। दूसरा, आप इस वैल्यू को अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना चाहते हो एंगल को, तो आप लिखेंगे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि टेंजेंट 360 माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस टेन थीटा होता है, तो ये माइनस टेन पाई बाई फोर आ जाएगा। यहाँ पर हमने उल्टा किया, टेन माइनस पाई बाई फोर को क्या लिखा टेन पाई माइनस पाई बाई फोर, और एक बार क्या लिखा टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर, समझ आया? तो यहाँ से एक्स क्या बन गया, टेंजेंट एक्स क्या बन गया टेंजेंट ऑफ फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई बाई फोर, एक्स आपका आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर। यहाँ से tan x इज इक्वल टू टेंजेंट सेवन पाई बाई फोर, तो इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर, ये दो वैल्यू आपकी होंगी जहाँ पर टेंजेंट माइनस होने का है, वो हम पहले लिख चुके हैं। अच्छा, अब at x इज इक्वल टू पाई बाई फोर थ्री पाई बाई फोर, अच्छा वो तो हमने साइन तो लगाया नहीं, देखो जरा ये जीरो थ्री पाई बाई फोर सेवन पाई बाई फोर और ये टू पाई, ये इंटरवल हमें दिया हुआ है। अब जीरो से थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर कितना होता है, थ्री पाई बाई फोर कितना होता है 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री है, इससे इसके बीच का एक 90 डिग्री ले लेते हैं, 90 डिग्री जहाँ मैंने पेन रखा वहाँ कहीं होगा, ठीक है 90 डिग्री ले। हम ये देख रहे हैं कि इस इंटरवल पे डेरिवेटिव का साइन क्या है, एफ डैश एक्स का साइन देखना है, तो जैसे 90 डिग्री एंगल ले लिया इस इंटरवल से, 90 डिग्री को एफ डैश एक्स में डालो, आप एफ डैश एक्स डालोगे तो वहाँ से आएगा वन आएगा, पॉजिटिव आएगा, चेक करो आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी डाल के देख लो, 90 डालना ईजी है, ठीक है पॉजिटिव आया आपका। उसके बाद दिस इसके बीच का कोई वैल्यू डाल लो, इसके बीच में
जैसे ये 135 डिग्री है और 7 पाई बाय 4 कितना होता है 45 इंटू 7 315, तो इसके बीच में से 270 ले लेते हैं, यहाँ से 270 ले लो, 270 ले लो या 180 ले लो, 180 ले लो। अल्टरनेटिव कर सकते हैं, पहला पॉजिटिव है फिर अल्टरनेटिव। हाँ आगे अल्टरनेटिव भी लगा सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट लगा दो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लगाते चले जाओ, पहला साइन देखने के बाद अल्टरनेट लगाते चले जाओ, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। एफ एक्स एज एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 एफ एक्स एज क्या होगा, लोकल क्या होगा दिवेश, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। सेकंड एट एक्स इज इक्वल टू 7π/4 लोकल मिनिमा एज, यस लोकल मिनिमा होगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एट एक्स इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 कितनी होगी एफ 3π/4 एफ 3π/4 का मतलब है एफ एक्स में डालोगे आप साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4 साइन 3π/4 की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव 1/2 क्या बेटा, नेगेटिव 1/2 समझा नहीं क्या बोल रहे हो, माइनस 1/2 हाँ, और cos 3π/4 कितना आएगा, ये भी माइनस प्लस, हाँ दोनों सेम है, प्लस हो जाएगा तो 1+1 2/√2 यानी कि √2 आएगा इसका आंसर। तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी √2 आएगी। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी √2, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यू एफ 7π/4 दैट इज साइन 7π/4 प्लस माइनस 7π/4 डिग्री में क्या होता है, 5/4 होता है 45 डिग्री, तो इनटू में 7 कर दो, ठीक है, साइन 7